छत्तीसगढ़ व्यापम में अपना यूजर आईडी में आधार लिंक कैसे करें, इसी के बारे में बताने वाले हैं। कोई सा भी ब्राउज़र लेकर आप लोग सीजी व्यापम सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से व्यापम का वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बाद आप लोग ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर है, कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं, कोई सा भी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद भर सकते हैं। हमारा पहले ही है यूजर आईडी, यहाँ लॉगिन करते हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा लिंक यूअर आधार कार्ड ओनली कैंडिडेट आधार, तो जिसका आईडी है वही डालिएगा। और यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिए गए, एक है बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं और दूसरा है आधार कार्ड के आधार पर, मतलब मोबाइल नंबर के आधार पर रजिस्टर है तो हमारा रजिस्टर है। चलिए यहाँ आधार लिंक डाल मतलब आधार कार्ड डाल लेते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एग्री पर और यहाँ गेट आधार ओटी पर क्लिक कर देनी है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओटीपी के लिए यहाँ कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपकी आ गया है। चलिए ओटीपी आ चुका है, हम एंटर कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यह करने के बाद सही ओटीपी डालें नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा, और वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई जो कि ओटीपी सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं मार्क लग चुका है आधार कार्ड वेरीफाई प्रोफाइल।